उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में दिनांक 25 फरवरी 2020 को माननीय जिलाधिकारी महोबा महोदय के आदेश व जिला आबकारी अधिकारी महोबा श्री मृत्युंजय प्रताप सिंह के निर्देशन में होली पर्व के दृष्टि अवैध शराब के निर्माण व तस्करी की रोकथाम के लिए मुखबिरी कराई गई। गांव चौका थाना महोबकंठ में रतन सिंह पुत्र स्वर्गीय नाहर सिंह के घर अवैध शराब निर्माण की सूचना मिलने पर आबकारी टीम महोबा व परिवर्तन टीम बांदा व आबकारी टीम राठ हमीरपुर ने पुलिस चौकी सौरा के उप निरीक्षक सुमित नारायण में हमराही आरक्षी जन लाल को साथ लेते हुए औचक दबिश दी, जहां से अभियुक्त रतन सिंह पुत्र स्वर्गीय नाहर सिंह को 384 पौवे अवैध नकली शराब हिट विस्की पंजाब निर्मित जिसमें फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश अंकित है, 54505 नकली ढक्कन जिसमें MP एक्साइज अंकित है तथा 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाना महोबखंड में दर्ज किया गया। संयुक्त टीम में आबकारी निरीक्षक रामकृष्ण चतुर्वेदी व आबकारी निरीक्षक कुसुमाकर धर आबकारी निरीक्षक राजेंद्र पाठक आदि रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट महोबा। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी व पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार ने जनपद की यूपी बोर्ड की चल रही हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया, जिसमें आज जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आदि परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन विद्यालयों में लाइट की कमी नजर आ रही है प्रत्येक कक्ष में कम से कम 2 LED बल्ब और अतिरिक्त लगवाए जाएं, जिससे कि विद्यार्थियों को अच्छा दिखाई दे ताकि वे बेहतर तरीके से अपना प्रश्न पत्र हल कर सकें। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर तीसरी आंख भी निगरानी बनी रहे, CCTV कैमरे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग निरंतर चलती रहे। ये भी कहा कि अगर कोई बच्चा अनुसूचित सामग्री का प्रयोग करता है या लाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को यह भी निर्देश दिया कि वे विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं व प्रश्न पत्रों को उचित स्थान पर सुरक्षित रखें और कहा कि सभी अध्यापकगण अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचे। जो अध्यापक परीक्षा केंद्रों पर समय से नहीं पहुंचेंगे उनके प्रति कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराते हुए तैनात किए हुए समस्त जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में आने वाले परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील रहें। अखंड भारत न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट महोबा। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में आज विकास खंड जैतपुर अजनर के सुखानंद हाई स्कूल में जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी की अध्यक्षता एवं CDO हीरा सिंह की उपस्थिति में चौपाल लगाकर ग्रामीणों के कल्याण शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रमवार तरीके से समीक्षा की गई। इसमें DM ने पहले सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली। उपस्थित लोगों ने बताया कि पेट्रोल पंप से कारसदेव तक पड़ी सड़क उखड़ चुकी है। इस पर DM ने शीघ्र सड़क निर्माण का भरोसा दिलाया। इसके बाद विद्युत विभाग की समस्याएं सुनी गईं, जिसमें अजनर के पुत्र घनसास बसोर ने बिजली का बिल 2 लाख रुपए होने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने SDO विद्युत विभाग व समाज कल्याण विभाग को आदेश दिया कि वे आने वाली 27 फरवरी को अजनर में एकीकृत कैंप लगाकर लोगों से ज्यादा समस्याएं निपटाई जाएं। इस अवसर पर DM ने गांव में बनाए गए PM आवासों की जानकारी ली, जिसमें पाया गया कि गांव में 75 आवास बन चुके हैं व आवास प्लस में 267 लोगों के नाम लिस्ट में शामिल किए गए हैं। यह जानकारी पंचायत सचिव सौरभ शुक्ला ने दी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने गांव की प्रगति पुस्तिका में गलत जानकारी देने पर अजनर के विकास अधिकारी सौरभ शुक्ला को कड़ी फटकार लगाई। इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किसानों को सही जानकारी न दे पाने के कारण कृषि विभाग के सभी कर्मचारियों के वेतन काटे जाने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने चौपाल में शासन के सभी प्रमुख मुद्दों पर प्रमुखता से बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्याओं के निस्तारण तथा शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र को देने की बात कही। चौपाल में DDO RS गौतम, SDM मोहम्मद आवेद, तहसीलदार सुबोध मणि शर्मा, PRO संतोष कुमार, DC NRLM सत्यराम यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट महोबा। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में मंडलायुक्त चित्रकूट धाम एवं जनपद के नोडल अधिकारी गौरव दयाल ने जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के समस्त अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से बैठक की। बैठक में मंडलायुक्त नोडल अधिकारी ने विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के साथ त्वरित व गुणवत्तापूर्ण उपलब्धि अर्जित कर विकास कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने लंबित शिकायतों के निस्तारण
प्रकरण के संबंध में निर्देशित किया कि इनके त्वरित निस्तारण के साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता निस्तारण रूप से पूर्णतः संतुष्ट है। समीक्षा बैठक में CDO हीरा सिंह, DFO सुधीर कुमार, अपर जिलाधिकारी राकेश सुरेश वर्मा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक पूनम निगम, DDO RS गौतम, उप जिलाधिकारी राकेश कुलपहाड़ मोहम्मद आवेश, SDM चरखारी राधेश यादव, BSA MP सिंह, DSO SP शाह, सूचना अधिकारी सतीश कुमार यादव सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा।